गुलाम हैदर ने दी भारतीयों को चेतावनी। सीमा हैदर ने बताया पाकिस्तानी सीमा का असली मकसद। योगी और मोदी से गुलाम हैदर ने की अपील। सीमा को भारत के लिए गुलाम ने बताया खतरा। सचिन पक्का आशिक था, सीमा को सीमा पार पाकिस्तान से खींच लाया। हर दिन सोशल मीडिया पर इन दोनों का हंसने का वीडियो वायरल होता रहता है। सीमा हैदर और सचिन ऐसा नाम है जो लोगों से भुलाए नहीं जा सकते, मगर इन दोनों के नाम के साथ गुलाम हैदर को भी नहीं भुलाया जा सकता। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत आई सीमा हैदर पर उसके पति गुलाम हैदर ने एक बार फिर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि सीमा हैदर कोई भी ऐसा काम कर सकती है जो भारत के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, और सचिन को छोड़कर किसी और के साथ भी जा सकती है, इससे बच्चों के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वहीं भारतीय एजेंसियों को लगातार सीमा पर नजर रखनी चाहिए या उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। गुलाम ने कहा कि सीमा की गिरफ्तारी ही भारत के लिए हक में है। सीमा पर लगाम कसने का काम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार का भी है, उनको भी इस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आगे गुलाम हैदर ने कहा कि भारत में मेरे बच्चे बीमार हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि सरकार में बैठे उन लोगों तक पहुंचे ताकि मेरी मदद हो सके। मैं कानूनी तरीके पर बच्चों को वापस लाने की कोशिश में लगा हूं, लेकिन अभी काम नहीं बन पा रहा है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि बच्चे पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। मैं समझता हूं कि लोग इंसानियत का साथ देंगे और सीमा को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सीमा और सचिन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मैंने अपनी बेटी फरहा का वीडियो देखा है, जिस तरह से सीमा और सचिन उसे जबरदस्ती डांस करवा रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। बच्चों से दूरी और उनके साथ हो रहे अत्याचार ने मुझे जिंदा लाश बना दिया है। मैं इस बार वीडियो बनाकर भारत और पाकिस्तान के लोगों की आंख खोलने की कोशिश कर रहा हूं। आम लोग मेरी दुआ कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आला अफसर और सरकार तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है।